यस गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन. यस दिस चैप्टर इज ऑफ टू द पॉस्चर. इस चैप्टर के मैं टू पैराग्राफ्स आपको करवा चुकी थी, वो आपने रीडिंग किया होगा. अब नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज हैडी. हैडी स्टोरी, हैडी स्टे फॉर माउंटेन होम. माउंटेन होम पर वो स्टे करने के लिए गई और वो बहुत एक्साइट है, उसके बारे में है. हैडी डिड एज शी वॉज टोल्ड. शी वॉश्ड एंड रब्ड हर सेल्फ टिल हर चिक्स वर ग्लोविंग. उसको कहा, हैडी को कहा था कि उसके चिक्स को क्लीन करो, रब्ड करो एंड वॉश करो, जिससे कि वो क्लीन हो और जिससे वो ग्लोविंग करें. इन द मीन वॉइल द ग्रांड फादर कॉल्ड. इस बीच में उन्होंने, ग्रांड फादर ने पैटर कॉल्ड पैटर टू कम इन टू द हट एंड ब्रिंग हिज बैग अलोंग. पैटर, ग्रांड फादर ने पैटर को हट में बुलाया एंड कि अपना बैग लेके आओ. इन पैटर्स बैग, और पैटर के बैग में ही पुट अ पीस ऑफ ब्रेड. उन्होंने ब्रेड के कुछ पीस रखे, पीस एंड स्लाइस ऑफ चीज, और स्लाइस का चीज़ के स्लाइसेस की पिट किए. द लिटिल बाउल गोज इन टू, और बाउल्स को भी उसमें कीप इट किया, छोटे छोटे बाउल्स को भी रखा. सेड द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, फॉर द लिटिल गर्ल डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गॉट. उसे नहीं पता, उस गर्ल को, छोटी लड़की को नहीं पता कि वो कैसे ड्रिंक करेगी. सो इसलिए शी इज गोइंग टू स्टे विथ यू ऑल डे. वो सारे दिन वहाँ पे रुकेगी, स्टे करेगी, रहेगी. देयर फॉर मिल्क टू बाउल्स फुल फॉर हर डिनर, और उसके लिए दो दूध के बाउल्स को भी रखा. लुक आउट दैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, कि वो वहाँ पे कैसे रुकेगी. हैडी केम रनिंग इन. हैडी रनिंग करते हुए आई. द सन कैन नॉट लाफ एट मी नाउ, कि अब तो मेरे ऊपर सन हंस नहीं सकता. शी शेड, उसने कहा, हर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर से स्माइलिंगली एग्रीड, और ग्रैंडफादर ने हंसते हुए, एग्री होते हुए कहा, यस. व्हेन यू कम होम टू नाइट, जब आप घर पे आओगे, यू विल हैव टू गो राइट इनसाइड द टब लाइक अ फिश. For you will get black feet running about with the gods. Now off you go, said the grandfather. Grandfather ने कहा, जब तुम होम पे आओगे रात नाइट को, तो you will have go to right inside. आपको सीधे आना है and tub और fish and get black feet running. और जो रनिंग दौड़ते हुए आओगे तो गॉड्स के ब्लैक फीट्स को देखना है. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल ऑन माउंटेन्स दैट मॉर्निंग. यह बहुत सुंदर मॉर्निंग थी माउंटेन्स की. द नाइट विंड हैड ब्लो ऑल द क्लाउड्स अवे एंड द स्काई वाज अ डीप ब्लू. स्काई का कलर बहुत डार्क ब्लू हो गया था, और क्लाउड्स भी ऐसे लग रहा था कि वो चल रहे हैं. द सन शोन ब्राइटनली ऑन द ग्रीन पास्चर एंड ऑन द फ्लावर्स विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर. तो और सन के साथ में जो वहाँ पे ग्रीन पास्चर था, वो ग्रीन हरी सूखी हुई घास ब्राइटनली चमक रही थी. एंड वन ऑन द फ्लावर्स, और उनके ऊपर जो फ्लावर्स ब्लूमिंग कर रहे थे, खिल रहे थे चारों तरफ, वहाँ पे फूल खिल रहे थे और
ग्रीन ग्रास चमक रही थी। देयर वर येल्लो एंड रेड प्राइम रोज एंड डेंटी येल्लो रॉक्स रोजेज, और जो रॉक्स थी वो येल्लो रोजेज से चमक भरी हुई थी। हैडी वाज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और हैडी बहुत एक्साइटमेंट हैप्पी थी, खुश हो रही थी। एंड रन फ्रॉम साइड टू साइड, और वह चारों तरफ घूमते हुए जा रही थी। शी क्वाइट फॉरगॉट पैटर एंड द गॉड्स, और वह बिल्कुल भूल गई थी पैटर को और गॉड्स को। एंड कैप्ट स्टॉपिंग टू गैदर फ्लावर्स एंड पुट देम इन हर एप्रन, और उसने जो एप्रन पहन रखा था उसमें सारे फ्लावर्स को प्लक करके अपने एप्रन में पुट कर रही थी, रख रही थी, कीप इट कर रही थी। ओके बाय, यस चैप्टर इज कंप्लीट, यू रीड केयरफुली। एंड क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में से आपको करेक्ट वर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करना है। चैप्टर नंबर वन का क्वेश्चन नंबर बी आपको करना है, योर HW। ओके बाय।